हेलो डॉक्टर। हेलो, कहिए, आपकी क्या प्रॉब्लम है डॉक्टर साहब, मैं आपसे अपनी वाइफ के बारे में कंसल्ट करना चाहता हूँ। जी? बोलिए। डॉक्टर साहब, मेरी शादी को ना अभी सिर्फ 6 महीने हुए हैं और मेरी वाइफ के पीरियड्स भी टाइम पर आ रहे हैं, बट डॉक्टर साहब, पीरियड्स में उनकी कामेच्छा ज़्यादा होती है और इस बात को वो मुझे बताने में हिचकिचाती हैं कि कहीं मुझे गंदा ना लगे। जी, मैं समझ सकती हूँ आपकी परेशानी को, जी लेकिन इस पे गंदा लगने जैसी तो कोई बात नहीं है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, बट डॉक्टर साहब, ये कहीं एबनॉर्मल तो नहीं है ना? बिल्कुल भी नहीं, पीरियड के दौरान औरत की हार्मोनशिप कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाती है, इसलिए नॉर्मल सी बात है। डॉक्टर, इस दौरान सेक्स करना सेफ है ना? कोई इन्फेक्शन तो नहीं होगा? जी नहीं, पीरियड के दौरान सेक्स करने में कोई इन्फेक्शन नहीं है और ये समय तो काफ़ी हद तक सेफ माना गया है। इस टाइम औरत की योनि गीली होती है जिससे सेक्स करने में आसानी होती है और इस समय सेक्स करने से ऑर्गेज्म तक जल्दी पहुंचा जा सकता है। तो डॉक्टर, इससे ब्लीडिंग तो नहीं बढ़ जाएगी? इस समय ब्लीडिंग तो वैसे होती ही है जी लेकिन सेक्स करने से थोड़ी ब्लीडिंग बढ़ ही जाती है, जी लेकिन इसमें घबराने जैसी कोई बात नहीं है। अच्छा, ऐसा भी होता है? बिल्कुल, अगर इस पीरियड में आप सेक्स करते हैं जी तो पीरियड के दौरान जो भी प्रॉब्लम होती है जैसे कमर दर्द, अकड़न, ऐसी कई प्रॉब्लम से होती हैं, जी उनसे भी छुटकारा हो जाता है। तो डॉक्टर साहब, कुछ खास सावधानियां जो हमें बरतनी चाहिए? जी हाँ, ये तो मैं आपको बताने ही वाली थी कि अगर आप पीरियड के समय सेक्स करना चाहते हो जी तो किसी भी सेक्स पोजीशन में सेक्स ना करें, जी बल्कि उन्हें अपनी पीठ के बल पर ही लेटना होगा ताकि उनके शरीर का ब्लड उनके ग्रेविटेशनल फोर्स की दिशा में हो, और साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रखें। योनि साफ़ रखनी चाहिए जिससे इन्फेक्शन कम होने की संभावना होती है। और एक चीज़ और, जी अगर आप जल्दी बच्चा नहीं चाहते हैं जी तो उसके कुछ उपाय अपना सकते हैं, जैसे कि आप कॉन्डम यूज़ कर सकते हो जी और वो गर्भ निरोधक गोलियाँ यूज़ कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपने तो कहा था कि ये सेफ पीरियड होता है। हाँ, कभी कभी मासिक धर्म 5 से 7 दिन बढ़ जाता है जी और इन दिनों लेडीज़ अपना सेफ पीरियड क्रॉस कर सकती है, ये जानना बहुत मुश्किल है लेकिन ऐसा चांसेस बहुत कम है, जी बट बेटर सेफ एंड सॉफ्ट। थैंक यू सो मच डॉक्टर, आपने बहुत बड़ी मुसीबत हल कर दी, क्योंकि मेरी बीवी हिचकिचाती थी और अब मैं उसे ये चीज़ें समझा सकता हूँ। जी, थैंक यू सो मच। वेलकम।